एक ही एक्ट्रेस से दो बार शादी कर चुका ये एक्टर अब बिन तलाक रहते हैं अलग। सास बिना ससुराल, अदालत, बार बहू और बेबी जैसे कई शोज में काम कर चुके दर्शन जरीवाला 29 सितंबर को 59 साल के हो गए हैं। आखिरी बार उन्हें स्वीटी वेड्स एनआरआई में देखा गया था। बात अगर उनकी पर्सनल लाइफ की करें तो उन्होंने 1980 में क्योंकि सास भी कभी बहू थी के एक्ट्रेस अपरा मेहता से शादी की थी। कपल ने दो बार की थी शादी। दर्शन ने 1980 में पहली बार अपरा से शादी की थी। इस दौरान दर्शन जहां 21 साल के थे वहीं अपरा 18 साल की थी। दोनों की शादी काफी जल्दी में हुई थी और इसमें फैमिली मेंबर्स शामिल नहीं हो पाए थे। ऐसे में 1981 में दर्शन और अपरा ने पेरेंट की मौजूदगी में दोबारा ग्रैंड शादी की थी। दोनों की एक बेटी कुशाली मेहता है जो कि अपरा के साथ रहती है। अलग अलग रहता है ये कपल। दर्शन और अपरा साथ साथ नहीं रहते हैं, दोनों सेपरेट हो चुके हैं। इस सेपरेशन की वजह है दोनों के पर्सनल डिफरेंसेस हैं। इसी वजह से कपल लंबे टाइम से अलग अलग रह रहा है, हालांकि इनका ऑफिशियली डायवोर्स नहीं हुआ है। बता दें, दोनों अभी भी अच्छे दोस्त हैं और अक्सर प्रॉब्लम्स के वक्त एक दूसरे के साथ खड़े नजर आ चुके हैं। इस गुजराती एक्ट्रेस के बेटे हैं दर्शन। दर्शन गुजराती एक्ट्रेस लीला जरीवाला और विद्यासागर जरीवाला के बेटे हैं। उन्होंने फिल्में और साथ ही टीवी इंडस्ट्री में लंबे टाइम तक एक्टिंग की है। दर्शन के सबसे यादगार गुजराती टीवी शोज में नरसिंह मेहता, संत कवि और कृष्ण के भक्त हैं। महात्मा गांधी पर बेस्ड 2007 में फिल्म गांधी माई फादर की उनकी परफॉर्मेंस काफी दमदार रही। इसके लिए उन्हें बेस्ट सपोर्टिंग एक्टर कैटेगरी में नेशनल फिल्म अवार्ड भी मिल चुका है। दर्शन अब तक कई टीवी शोज में काम कर चुके हैं, उनमें कुछ चुनिंदा शोज ये हैं। क्या बात है, 1997 सास बिना ससुराल 2010-2012, अदालत 2012, मुंह बोली शादी 2015, एक था राजा एक तेरानी 2015, पार बहू और बेबी 2006-2007, स्थायी रूममेट्स सीजन 2 2016, राम नायर के रूप में गुड कर्मा अस्पताल 2017।